Hey guys, what's up? Welcome to our channel, Sunrise News. तो भैया आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिंकिया के पापा यानी मनोज तिवारी की जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो बिना रिंकिया को बुलाए वीडियो को करते हैं शुरू। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं। यूपी में चुनाव कई चरणों में होगा और इसका परिणाम 10 मार्च को सामने आएगा। ऐसे में सत्ताधारी दल ने भी सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच जा जाकर अपने किए गए कामों को गिनाते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं पार्टी के अन्य नेता भी भाजपा के कामों का बखान करते नजर आ रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले भाजपा नेता मनोज तिवारी का एक गाना काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। भाई मनोज तिवारी ने बीजेपी के सबसे बड़े मुद्दे राम मंदिर पर गाना बनाया है, पर गाने की धुन पाकिस्तान से चुराने का उन पर आरोप लग रहा है। शायद चुनावों की तैयारियों में इतना टाइम नहीं मिला कि वो धुन ओरिजिनल बना पाए, पर कोई बात नहीं। लोग अब मनोज तिवारी को ट्रोल कर रहे हैं कि भैया राम मंदिर के गाने में पाकिस्तानी धुन का इस्तेमाल क्यों। वैसे तो यार बीजेपी पाकिस्तान को ट्रोल करने का कोई मौका छोड़ती नहीं है, पर जब गाने की बारी आई तो उन्होंने पाकिस्तान से धुन चुराई, ये क्या बात हुई। मोदी जी इस पर आपकी क्या राय है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब ये जो गाना मनोज तिवारी ने बनाया है उसके बोल कुछ इस तरह हैं, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा तो सोच नजारा क्या होगा। अब मैं जानता हूं कि आपको ये गाना सुना सुना सा लग रहा होगा कि दिल गलती कर बैठा है, काफी हिट गाना है, आपने सुना होगा। ये गाना मनोज मुंतशिर ने लिखा था। खैर उन्होंने भी क्या ही लिखा था, उन्होंने भी इधर उधर करके ये गाना पाकिस्तान बोल कफारा क्या होगा को रिमिक्स करके उन्होंने बना दिया और उन पर भी ये धुन चुराने का आरोप लगा था। मुद्दा यह नहीं है कि मनोज तिवारी ने धुन चुराई, मुद्दा यह है कि उन्होंने पाकिस्तानी धुन का इस्तेमाल राम मंदिर के लिए किया है। अब लोग बोल रहे हैं कि मनोज भैया एक आध गाना यूपी के विकास के ऊपर भी बना दो, पर विकास हो तो गाना बने। लोगों का कहना है कि भैया राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने से कुछ नहीं होगा, पर भैया बीजेपी के लोग तो सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी राम मंदिर को ही समझते हैं और उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अब आप लोगों की मनोज तिवारी के इस गाने के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो में कुछ भी देखकर आपको खुशियां मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर कहीं से भी नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।